देश में आज करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। शुक्रवार को करगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी में रिमझिम फुहारों के बीच गांधी पार्क स्थित शौर्य स्मारक पहुंचे और पुष्प चक्र अर्पित कर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी एवं उनके पराक्रम को याद किया। उनके साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। हमारे सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने अपने शौर्य पराक्रम और अपनी जाबाजी से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया और विजय प्राप्त की। मैं उन सभी को नमन करता हूँ, सभी शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये दिवस हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दिन हमेशा हमको इसका स्मरण कराएगा, हमारी नौजवान पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को देशभक्ति का एक पाठ भी पढ़ाएगा। याद तो हमेशा ही आती है हम लोगों को, तो जिसके घर से जा रखा होगा उसको तो याद हमेशा ही आएगी, सुख है दुख है। लेकिन हमें ये भी अच्छा लगता है कि कम से कम हमें इस उसमें याद किया जाता है, हर किसी चीज़ में भी याद किया जाता है। जो सैनिक का परिवार होता है वो उनके लिए तो हर दिन ही, उनकी तो हर दिन ही शहादत की याद भी रहते हैं वो, और 25 साल बाद भी आंखें नम रहती हैं और हमेशा नम रहेंगी जब तक हमारी सांसें हैं। पर एक गर्व महसूस होता है कि हम शहीद परिवार से हैं और इस तरह के सम्मान और इस तरह की प्रोग्राम से आगे की जो जनरेशन है, आगे की जो पुश्ते हैं, आगे के जो बच्चे हैं, वो एक इनकरेज होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। धामी कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग करेंगे। बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों की होने वाली बैठक में भी मुख्यमंत्री धामी प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री और संगठन के नेताओं से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो और उसमें राज्य से संबंधित जो विषय हमारे यहाँ के लिए जरूरी है उन सभी विषयों को रखा जाएगा, उनकी चर्चा होगी। लेकिन हम उत्तराखंड राज्य की ओर से साथ में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव जो हर 6 माह में हमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा, वह भी 2 दिन चलेगा, उसमें भी हम सब प्रतिभाग करेंगे और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलेगा। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा भारतीय सेना और उनके परिवार जन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। इस अवसर पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और बलिदान का परिचय दिया और अपनी तरह के विशिष्ट और अत्यंत चुनौतीपूर्ण इस युद्ध में भारतीय सेना ने विजय पताका फहराई। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से देश की आबादी में अगर अनुपात के अनुसार सबसे ज़्यादा सैनिक आते हैं, और आज हम जब कारगिल के महान शहीदों को, महान सुपूतों को याद कर रहे हैं, चाहे वो शहीद जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए, चाहे वो जीवित सैनिक जिन्होंने उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और दुश्मन को खदेड़ा, हम सबको सैल्यूट करते हैं, सबको नमन करते हैं। उनका ऋण हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। सावन के महीने में नीलकंठ आने वाले लाखों कांवड़ियों को बीमार होने पर अब चलती फिरती डिस्पेंसरी से फ्री में दवाइयां मिलेंगी। डिस्पेंसरी के साथ डॉक्टर्स चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। सोनीपत हरियाणा का शिव युवा शक्ति संघ 25वीं बार नीलकंठ क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए ऋषिकेश पहुँचा है। जयराम आश्रम में पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप, कांग्रेस नेता मनीष शर्मा, संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार और जयराम आश्रम के प्रदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर डिस्पेंसरी वाहन को कांवड़ क्षेत्र में रवाना किया है। परमार्थ निकेतन पहुंचे बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर मीडिया के साथ खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा, किसी भी राजनेता और पार्टी के लिए उनके द्वार बंद नहीं हैं, क्योंकि संत कभी भी किसी भी पार्टी का नहीं होता है। उन्होंने चारों धामों के नाम का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कॉपीराइट कानून बनाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश दुश्मनों के मुंह पर जवाब देना शुरू कर देगा, उस दिन भारत विश्वगुरु बन जाएगा। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।
हमारा दरवाजा किसी भी पार्टी के लिए बंद नहीं, क्योंकि साधु किसी पार्टी का नहीं होता, हनुमान जी किसी एक के नहीं, वो सबके हैं, जो माने सो जय सियाराम, ना माने अगर आप राम का पक्ष करो, क्योंकि ये देश राम का है, यहाँ के कण कण में यहाँ के रहने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी बिना मीडिया के अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो उनके दिल की धड़कन में भी राम ही बसते हैं, क्योंकि ये देश राम का है। तो राम के राष्ट्र में रह करके अगर हम राम की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या रावण की करेंगे? तो हनुमान जी का एक बहुत अच्छा काम है, राम के सपोर्टर रहोगे तो वो तुम्हारे रक्षक बनेंगे, और अगर तुम रावण के पक्षधर रहोगे तो जैसे वो लंका में आग लगाए थे वैसे वो तुम्हारी जिंदगी में लगाए। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर रुड़की के लक्षर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लक्षर CO निहारिका सेमवाल कहना है, हरिद्वार SSP के निर्देश पर इस बार हमने 13 सुपर जोन बनाए हैं। जो हमारा लक्षर है वह 13 सुपर जोन में आता है, जिसको 2 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें हमारे 7 सब सेक्टर बने हैं। हम लोगों ने 13 सुपर जोन बनाए हैं। जो हमारा लक्षर है वो 13वें सुपर जोन में आता है, जिसको भी हमने 2 सेक्टर्स में बांटा हुआ है और इसमें 7 हमारे सब सेक्टर्स हैं। जैसे कि अभी 27 तारीख से हमारी यहाँ से नगला डाइवर्जन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हमने पूरी ड्यूटियाँ करी हुई हैं। हर पॉइंट पे हमने पैरामिलिट्री PSA की फोर्सेस भी लगा रखी हैं, बैरियर्स लग चुके हैं, फ्लेक्सीज लग चुकी है और हम लोगों की पूरी फोर्स डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है 22 तारीख से ही। अभी भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सिटी पे दबाव पड़ता है एंट्री, क्योंकि हमारी बैरागी यहीं से ही होनी है, तो जो बड़े ट्रॉले हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो अभी से ही आने लग गए हैं, तो हम लोग इनका पूरा स्मूथ मूवमेंट इंश्योर कर रहे हैं।